बच्ची बताइए कि उन लोगों को ये बैंगलोर ले जाएंगे ऐसे बोल के लाया गया था कंपनी के लिए, सहाना प्लॉटिंग कंपनी, सिलाई कंपनी है जी तो उसके लिए, और बोला कि 8 घंटा काम दें, प्लेसमेंट देंगे और 8 घंटा काम रहेगा और 14 से 15 हजार सैलरी ऐसा करके लाया गया था। सब तो नहीं है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, जैसे जाने का या छुट्टी मांग रही है, उन लोग जाना चाह रही है झारखंड वापस हम्म। तो डांट सकता है उन लोग और नहीं दे रहा जाने के लिए झारखंड। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया, वो गरीब का बच्चा था हर दर्द में जीना सीख गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड से बड़ी संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूर पलायन करते हैं बाहर जो है काम करने के लिए। तो आप सुनते होंगे खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि काम करने के दौरान कंपनी में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, फिर वो लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमको वापस मेरे जो है राज्य बुलाया जाए, मेरे जिला बुलाया जाए, मेरे घर बुलाया जाए। तो ऐसे ही एक मामला अभी ट्विटर पे लगातार वायरल हो रहा है। इसमें ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है ट्रेनिंग दिया गया है कुछ लड़कियों को, झारखंड के अलग अलग जिले से जिले की लड़कियां हैं, उनको ट्रेनिंग देके जो है सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग देके बाहर जो है प्लेसमेंट के नाम पे काम कराने के लिए यहां से ले जाया गया। उसके बाद वो लोग सही सलामत काम भी कर रही है, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये पता चल रहा है कि वहां पर उनको कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। तो वो परेशानी क्या हो रही है कि सरकार से वो लोग मदद मांग रही है, अपने राज्य आने का गुहार लगा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम आज मिशन बदलाव के जो फाउंडर है भूषण भगत जी, उनसे बात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ये जो स्किल्ड मजदूर अनस्किल्ड मजदूर उनके लिए आवाज उठाते हैं, किसी का देहांत हो जाता है, किसी का काम करने के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके घर परिवार वालों को ये मुआवजा भी दिलवाते हैं। भूषण भगत जी, भौकाल टीवी में स्वागत है और आपका झारखंडी जोहार आपको। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और भोकाल टीवी के जितने दर्शकगण हैं सभी लोगों को झारखंडी जोहार रहेगा। सबसे पहला सवाल ये है कि मिशन बदलाव आप चलाते हैं और ट्विटर के पेज से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें झारखंड की कुछ लड़कियां जो है सरकार से गुहार लगा रही हैं, कि पूरा मामला क्या है थोड़ा सा बताइएगा डिटेल में। बच्चियां हैं, चाईबासा के आसपास के भी सभी लोग हैं, 28 बच्चियां थी, टाटा में वे लोग स्किल्ड हुई सिलाई कढ़ाई का कोर्स की और उनको प्लेसमेंट कराया जाता है, बेंगलोर के कंपनी है वहीं पर प्लेसमेंट के नाम से ले जाया जाता है, फिर उनको चेन्नई त्रिपुरा में सलाना फोर्टिन कंपनी है वहाँ पर उनको प्लेसमेंट दिया जाता है। और बच्चियाँ जब काम करती हैं तो जो कंपनी का नॉर्म्स था, जो एक प्लेसमेंट जब बहुत किया जाता है तो जो नॉर्म्स रहता है कि आपको ओवर टाइमिंग में इतना पैसा मिलेगा, काम करने के दौरान आपको जो फैसिलिटी हो सब मिला जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि काम करने के बाद जैसे वो लोग ज्वाइन करती है तो फर्स्ट मंथ लोगों को 4,000 रुपया दिया जाता है। जून में जन ज्वाइन करती है तो 4,000 रुपया दिया जाता है, फिर जुलाई में 9,000 रुपया दिया जाता है, और कंपनी में भी बोला गया था कि 15,000 रुपये 14-15 हज़ार रुपये दिया जाएगा। और काम करने के बाद में भी आप ये भी बच्चियां जो बताती है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को खाने से लेके हर चीज़ों का यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चियाँ रो के भी अपनी बातों को जगजाहिर करते हुए बता भी रही है कि अब हम लोग वापस आना चाहते हैं, हम लोग अपने घर का वापसी चाहते हैं। क्या कंपनी उन लोग को वापस नहीं भेज रही है झारखंड? नहीं, कंपनी बच्चियाँ बता रही थी कि हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन कंपनी भेज भी नहीं रही है। और आप देखेंगे कि बच्चियाँ बोल भी रही हैं कि हम लोगों को जबरदस्ती काम पे भेजा जा रहा है, हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग विरोध भी करते हैं, तो इनफैक्ट हाथ खींच के भी चलो करके काम करने चलो, मतलब एक तरीके का बोला जाए कि उन लोगों के साथ में कुछ भी मिसहैपनिंग होने की ये संभावनाएं हैं। और हमको लगता है कि जब बच्चियां अपनी दुख दर्द बयां कर रही हैं और रोते हुए अपनी बातों को बता रही है तो निश्चित ही उनको अपने अस्तित्व को लेके, अपने गरिमाओं को लेके और अपना जो मिनिमम वेज को लेके सभी चीज़ों की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। ये बताइए भूषण जी कि आपको कैसे पता चला कि वो जो है जो 28 लड़कियां वहाँ पर सिलाई कढ़ाई का जो है काम कर रही हैं, प्लेसमेंट कराया गया था उनको, उसके बाद वहाँ पे काम कर रही हैं तो कि जो है वो फंस गई है, उनको परेशानी हो रही है, उनको जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, आपको पता कैसे चला था? अभी कुछ दिन पहले ही चाईबासा के हमारे साथी जो रेखा नायक हैं उनका कुछ उनके भाई लोग वहाँ फंसे हुए थे, 23 मजदूर थे जो बेंगलोर आंध्र प्रदेश में तेलूर करके एक जगह है, वहाँ पे फंसे हुए थे, वो लोग अपना
समस्याओं को मुझे बताए, और बताने के बाद वो लोग वो भी बताए कि और भी बच्चियां हैं जो हमारे साथ हम लोग के गांव की हैं, वो लड़कियां वो लोग भी फंसी हुई, वो लोग भी आना चाह रही है, लेकिन कंपनी वालों के द्वारा उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, और वो लोगों को बहुत दबाव के साथ काम कराया जा रहा है, और पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, और खाने का बहुत सारा दिक्कत भी है, और लोग साधारण शब्दों में वो लोग वापस आना चाहती है कि वो जो लड़कियां हैं जो वहां पर फंसी हुई हैं सिलाई कढ़ाई का काम करने के दौरान एक कंपनी में, वो किस जिले के रहने वाली हैं? पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा और टाटा के आसपास की सभी लड़कियां। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो ट्रेनिंग कराई जाती है किसके द्वारा कराया गया, कौन उनको बोला कि आप ट्रेनिंग कीजिए उसके बाद आपको जो है अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेगा, आपको जो है सिलाई कढ़ाई सीख लीजिएगा तो आपको मतलब 10,000-15,000 का नौकरी मिल जाएगा, कौन उनको बताया था इसके बारे में कुछ आइडिया? टाटा में कंपनी है, सुशीला मुर्मू और रितु सिंह और वगैरह कुछ नाम है जो मैं भूल रहा हूँ, तो वे लोग स्किल्ड का चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं जिसमें बच्चों को गांव से लाया जाता है और उन लोगों को स्किल्ड बनाया जाता है, और ये कमिटमेंट भी किया जाता है कि आप यहाँ से स्किल्ड होकर कहीं पे जाते हैं तो आपका जो मिनिमम वेज है मतलब इनफैक्ट 14,000-15,000 रुपये आपको मिलेगा। तो बच्चियाँ लोगों को अभी झारखंड में इतना ज़्यादा काम नहीं है, काम नहीं होने की वजह से और हमारे झारखंड में अधिकतर जो बच्चियाँ हैं वो लोग कहीं ना कहीं किसी के कोठे में जाके काम करती है, कहीं ना कहीं किसी मतलब खाना वाना पकाने इन सभी का कामों में बिजी मतलब इंगेज है, और जब स्किल्ड का काम कराया जाता है तो बच्चियों को भी लगता है कि नहीं अब चलो हम जाते हैं एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है, और इसी फ्यूचर का एक ड्रीम रहता है कि अब हमको कम से कम इतना पैसा मिलेगा कि अपने अपने परिवार को हम सपोर्ट दे सके, और सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे जो कंपनी उनको ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई कढ़ाई का इनफैक्ट 3-4 महीना का कोर्स भी कराया जाता है, उन लोगों को स्किल्ड बना दिया जाता है, स्किल्ड बनाने के बाद उन लोगों को भेजा जाता है, और भेजने के बाद अब जब बच्चियां जाती हैं जब इस तरीके का बताती है कि मुझे 4,000 रुपया दिया जा रहा है, मुझे 9,000 रुपया दिया जा रहा है, 15,000 रुपया का कमिटमेंट है, और ना खाने के लिए अच्छा फैसिलिटी है, ओवर टाइमिंग में आपको दिया जाएगा, 8 घंटा लिखा रहता है, 12 घंटा लिखा रहता है, हमारी बच्ची 15-16 घंटा काम करती है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। भूषण जी एक और सवाल ये है कि जो कंपनी उनको ट्रेनिंग दी उसके बाद उनको प्लेसमेंट दिया गया, उस कंपनी से आपकी बात हुई है कि आपने जिन लड़कियों को ट्रेनिंग सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग देके बाहर एक कंपनी में प्लेसमेंट करवाया है उनको जो वहाँ पर परेशानी हो रही है, समय पे खाना नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, कंपनी से कोई आपकी बातचीत हुई है? नहीं, कंपनी से तो नहीं बातचीत की है, कंपनी वालों से बातचीत नहीं हुई, जो बच्चियाँ हैं जो लड़कियाँ हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है वो लड़कियों से मैं 1-to-1 डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, और लड़कियों का जो स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड है मुझे वो लोग अपने वीडियो बना के भेजे और हम वापस आना चाहते हैं, और जो काम कराने के दौरान अगर नहीं भी जाने जाते क्योंकि डेली अगर 15 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो एक जो ह्यूमन बॉडी है मुश्किल से अगर आप 15 घंटा डेली काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरा शरीर आपका टूट चुका होता है। आपको 8 घंटा काम करना है या 12 घंटा बोला गया होगा ना कंपनी के द्वारा, ऑफर लेटर में लिखा हुआ होगा? जी ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि कमिटमेंट भी है कि 8 घंटा किया जाएगा, 10 घंटा होता है तो एक मिनिमम जो अगर आप एक वेज को काउंट करेंगे तो 8 घंटा इनफ है, अगर 8 घंटा के बाद अगर आप ज्यादा काम ले रहे हैं तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, जो एक ओवर टाइम नहीं देती है कंपनी, कुछ भी नहीं दे रही, बच्चियां बता रही है लड़कियां बोल रही 4,000 रुपया 9,000 रुपया, जून में 4,000 रुपया दिया जाता है, जुलाई में 9,000 रुपया दिया जाता है, और जो 15,000 रुपये का जो कमिटमेंट है वो तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, इनफैक्ट आप देख सकते खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, खाने के लिए जिस तरीके का उन लोगों का 15 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको हेल्दी फूड देना होगा, हेल्दी फूड मतलब जो बच्चियों को ताकत मिले आगे सिलाई कढ़ाई का जो काम है उसको बेहतर तरीके से कर सके। और ये भी है कंपनी वाला लोग कैसे उनका पैसा काटते हैं, अगर आप सिलाई कढ़ाई में कुछ गलती किए हैं तो ये बहाना बना के आपका पैसा भी कट कर दिया जाता है कि नहीं आपने गलत सिलाई कढ़ाई किया है और आप आपका जो जो सिलाई है वो सही नहीं है इसलिए आपका पैसा को कट कर दिया जाता है। कंपनी जो उनको ट्रेनिंग कराई है वो लोगों को एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट बनाई है, वो लोगों को स्किल्ड कर चुकी है, उसके बाद में अगर आप कहीं प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे कंपनी उसका पैसा को कट कर सकती है जी, जब आप स्किल्ड के नाम से उनको प्लेसमेंट कर रहे हैं और गलत आप सही से नहीं स्किल्ड आपका सही से नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है इसके लिए आप आपका कट नहीं ना कर सकते हैं, तो ये बहुत एक विकटन परिस्थिति है। अच्छा ये बताइए कि जो वहाँ पर 28 लड़कियाँ फंसी हुई हैं कंपनी में
उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जो है समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको समय पे खाना नहीं दिया जा रहा है, 8 घंटा बोल के जो है 12 घंटा 15 घंटा काम कराया जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। क्या किसी जो वहाँ पर बहन लोग काम कर रहे हैं उनसे कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है अभी लाइव में, अगर किसी से बात हो सकती है? जी, हमारे मिशन बदलाव टीम के ही अंजना टोप्पो है, वो इनफैक्ट चेन्नई की रहने वाली है, और हम लोग गुमला में मिशन बदलाव टीम के एक महत्वपूर्ण साथी में से हैं, तो हम उनको एक बार कॉल करते हैं कल का। तो वो जो टोप्पो जी हैं उनकी बात हुई है लड़कियों जी से? अंजना जी की पूरी बात हुई है, जो बच्ची है वहाँ फंसी हुई है उनसे पूरा, क्योंकि बहुत बार होता है कि लड़कियां अपनी बातों को कोई लड़की को ही बताने में थोड़ा सा, 15 घंटा अगर डेली आप काम करा रहे हैं, अगर सपोज दैट आप दूसरे दिन बोले हमको नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे, हम थक चुके हैं, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाया जाता है, लड़कियां को फोर्सफुली पकड़ के आपको चलो वहाँ काम करना है। तो मतलब नहीं होता है कि हम स्वतंत्र भारत में भी हैं, लेकिन जो मेरा वर्किंग प्लेस है वहाँ गुलाम बने जी। तो जरा फोन लगाइएगा। तो आप पूरे मामले को समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनको जो है अलग अलग ट्रेड में जो है ट्रेनिंग कराया जाता है, उसके बाद जो ट्रेनिंग देती है कंपनी उन्हीं के द्वारा जो है अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट दिया जाता है, और प्लेसमेंट के नाम पर जो है उनसे जो है क्या कराया जाता है, आप चीज़ों को सुन के समझ सकते हैं। लगातार इस प्रकार के मामले ट्विटर पे पेपरों के माध्यम से आपको सुनाई देते होंगे। हाँ अंजू जी, अभी हम लोग आप जो मजदूर से जो लड़की बच्चियों से बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अंजू जी, भौकाल टीवी में स्वागत है, आप अभी लाइव हैं, तो आपसे मेरा कुछ सवाल है। ये बताइए अंजू जी कि अभी एक मामला आया है और ट्विटर पे जो है वीडियो वायरल हो रहा है मिशन बदलाव के ट्विटर हैंडल पे, जिसमें 28 लड़कियों का जो है वहाँ पर फंसने का मामला आ रहा है, जो सिलाई कढ़ाई का जो है काम करने गई थी, कौशल विकास के तहत जो है ट्रेनिंग होता है उसके द्वारा सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग ली, उसके बाद कंपनी जो है उनको प्लेसमेंट दी। अब बताया जा रहा है कि उनको परेशानी हो रही है वहाँ पे, वो लोग अपने झारखंड आने का गुहार लगा रही है, घर आने का गुहार लगा रही है। क्या है पूरा मामला बताएंगी जरा? हमको मिशन बदलाव से ही भूषण भगत जी से नंबर मिला था बच्ची का, उनसे कांटेक्ट करने के लिए। मैं भी मिशन बदलाव की सदस्य हूँ, तो बच्ची से बात हुआ तो फिर बच्ची बताई कि उसको उन लोग को बच्ची बताई कि उन लोगों को ये बैंगलोर ले जाएंगे ऐसे बोल के लाया गया था कंपनी के लिए, सहाना फ्लोटिंग कंपनी सिलाई कंपनी है जी। तो उसके लिए बोला कि 8 घंटा काम दे, प्लेसमेंट देंगे और 8 घंटा काम रहेगा और 14 से 15 हजार सैलरी ऐसा करके लाया गया था। फिर बच्ची लोग आने के बाद में उन लोग को मतलब जो चीज बोल के लाया गया वो चीज सही से उन लोग को यहाँ नहीं मिल रहा, और उन लोग जाना चाह रहे, 8 घंटा काम करके लाया गया था और अभी यहाँ पे उन लोग 12 घंटा से ज्यादा काम लिया जा रहा है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है कंपनी में जो उनके अभी वार्डन है, और जो यहाँ सुशीला मुर्मू करके उनको लाई थी बच्ची लोग उनसे कांटेक्ट की कि हम लोग को वापस जाना है कहके, तो अभी वो नहीं उनको वापस झारखंड नहीं ले जाएंगे ऐसा करके बच्ची को लोग को डांट रही है अभी वहीं रहो ऐसा करके। अब बच्ची लोग परेशान है, तो खाने पीने का भी जो बात था उन लोग को अच्छा से तीनों टाइम का बात था, लेकिन अभी खाना भी उतना अच्छा दिया नहीं जा रहा है और व्यवहार भी अच्छा नहीं हो रहा है जी। तो बच्ची लोग जाना चाह रही है। तो आपकी आपकी बात हुई है डायरेक्ट जो वहाँ पर काम कर रही है उन्हीं में से किसी एक से? हाँ बच्ची से ही बात हुई है। एक बच्ची क्या नाम है उनका, जिनसे बात हुई है उनका नाम क्या है? इनका नाम तो हम नहीं पूछे बच्ची का जी। किस अच्छा ये जो लड़कियां हैं कौन से जिले की रहने वाली है? ये जमशेदपुर से हैं बच्ची लोग, बोले की से बात आती है दीदी हम लोग जमशेदपुर में हम लोग ट्रेनिंग सीख लिए और हम लोग को वहीं से प्लेसमेंट करके लाया गया इससे। अच्छा, जमशेदपुर में कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग कराया गया और वहीं से जो है प्लेसमेंट दिलाया गया। जी अच्छा, ये बताइए कि उनके साथ कोई शोषण नहीं हो रहा है शारीरिक शोषण किस प्रकार से, अभद्रता वगैरह? वो सब तो नहीं है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, जैसे जाने का या छुट्टी मांग रही है उन लोग जाना चाह रही है झारखंड वापस, तो डांट सकता है उन लोग और नहीं दे रहा जाने के लिए झारखंड। जी शुक्रिया तमाम बातों के लिए, आपका धन्यवाद। तो आप पूरे मामले को समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियां हैं जो कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेते हैं,
जैसे कि एसी का काम कोई सीखता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का सीखता है, बच्चियां जो सिलाई कढ़ाई का काम सीखती है, उसके बाद जहां पर वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वहीं से वो लोग को प्लेसमेंट के नाम पर जो है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, अलग अलग स्टेट में ले जाके काम करवाया जाता है। कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो है बोल के कुछ और लेकर जाया जाता है, ऑफर लेटर में कुछ और लिखा होता है, जब वहाँ पर काम करने जाते हैं तो मामला कुछ और ही हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग कराई जाती है, ये तो चलिए स्किल्ड होते हैं, इनका एक डेटा होता है, ये लोग को जो है हम ट्विटर के माध्यम से कंपनी के पास डेटा होता है कि ये लोग जो है वहाँ काम कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको बुला लिया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जो अनस्किल्ड लेबर है, जो बेचारा कोई ट्रेनिंग नहीं किया है, लेबर मजदूरी का काम करने चेन्नई चला जाता है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है या उस कंपनी में उसके साथ परेशानी होती है, तो उस शख्स को कितनी दिक्कत होती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।